दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक इंसानों को किसी चीज में बेनिफिट नहीं मिलता तब तक वो चीज ट्राई नहीं करते। इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पीड रीडिंग से रिलेटेड मेंटल बेनिफिट्स बताए, जिससे आपकी ब्रेन को इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपका ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। और इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह के क्रेजी और इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स बताने वाला हूँ स्पीड रीडिंग के, जो कि अगर आप बेनिफिट्स उसके लो तो आपकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है, इट ट्रेन योर आइज। आपकी आइज जो है स्पीड रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा ट्रेन हो जाती है, और इसीलिए आपकी आइज का जो एनालाइजिंग पावर है, जितना आपकी आइज एक टाइम में एनालाइज कर सकती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल ह्यूमन की आइज 100 टू 150 मिलियन बिट्स पर सेकेंड के इंफॉर्मेशन गैदर करती है, बट अगर आप स्पीड रीडिंग करते हो तो आपकी आइज 350 टू 450 बिट्स मिलियन बिट्स का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है आपके लिए ईच सेकेंड, जो कि एक एवरेज ह्यूमन बींग से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आपकी आइज का जो मूवमेंट है, जो आप लेफ्ट में देख रहे हो और राइट में देखने में आपको जितना टाइम लगता है वो भी 2 गुना कम हो जाता है, और इसीलिए आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो बेटर हो जाते हैं स्पीड रीडिंग सीखने से। नंबर 2 जो है वो है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन या डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपके माइंड में रिलीज होता है हर बार जब भी आपको कुछ अच्छा लगता है। इसी केमिकल के वजह से आपको बहुत चीज़ों की एडिक्शन भी लग जाती है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और बहुत लोगों को सिगरेट का एडिक्शन लगता है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो जाता है, वो सब चीज़ आपको डोपामिन के वजह से होता है। और ये डोपामिन को आप कंट्रोल में ला सकते हो थ्रू रीडिंग, और ये इस तरह काम करता है कि कोई भी चीज़ जब आपको बोरिंग लगती हो तब डोपामिन रिलीज नहीं होता है, और अगर आप वो टाइम पे काम कंपोज्ड और रिलैक्स रहते हो तो उस तरह से आप डोपामाइन को अपने कंट्रोल में ला सकते हो, एंड आप अपने आप को एडिक्शन फ्री बना सकते हो। नंबर 3, इट सेव्स योर टाइम। दोस्तों, हम सबको पता है कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। किसी भी पर्सन के पास टाइम जो है वो उनके किसी भी दूसरे चीज़ से सबसे ज़्यादा महंगा है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। और स्पीड रीडिंग करने से सबसे बड़ा बेनिफिट यही हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है। जहाँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक बुक रीड करने में मिनिमम 1 मंथ लगता होगा, वहाँ पे आपको, क्योंकि आपको स्पीड रीडिंग आती है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन लगेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ आप और जल्दी स्पीड रीडिंग के साथ बुक रीड कर पाओगे, और इस तरह आपका रीडिंग और बेटर होगा, और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन रेट है वो भी बढ़ेगा। इस तरह अगर आप रीडिंग सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेजी और इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है कि मैं वो सब कवर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने 2 सेपरेट वीडियो बना के कुछ पॉइंट्स तो कवर किया, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है वो सब तो कवर करने जाऊँगा तो शायद हम कभी स्पीड रीडिंग सीख भी नहीं पाएंगे। पर आज के लिए इतना ही, आगे मैं स्पीड रीडिंग भी सिखाऊंगा, और इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको स्पीड रीडिंग के अगले वीडियो सबसे पहले दिखे। दिस इज़ आगम जैन साइनिंग आउट एंड टिल वी मीट अगेन।